दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में तकरीबन 11 सालों से चला आ रहा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमें समय के साथ साथ कई नई कहानियां देखने को मिली हैं और सीरियल की हर एक अनोखी कहानी ने दर्शकों का एंटरटेनमेंट कुछ अलग ही अंदाज से किया है, जिसका क्रेडिट सीरियल की स्टार कास्ट को भी जाता है, जिन्होंने अपने अलग अलग अंदाज को पर्दे पर बेहद ही खूबसूरती से निभाते हुए देश भर के लोगों को अपना मुरीद बनाया है। इसलिए तो आज ये कलाकार सीरियल में निभा रहे अपने किरदारों के जरिए खूब पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सीरियल में नजर आ रहे इन कलाकारों के बारे में नहीं, बल्कि इनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाने वाले हैं, जो कि इन्हीं की तरह कामयाब हैं और दिखने में बेहद स्टाइलिश नजर आते हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर्स। नंबर एक, करण मेहरा। सीरियल में नैतिक की जबरदस्त भूमिका निभाकर पॉपुलर हुए अभिनेता करण मेहरा ने शुरुआती दिनों से ही सीरियल का हिस्सा बनकर अक्षरा के साथ अपनी लव केमिस्ट्री को प्रेजेंट करते हुए दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी थीं, जो कि फिलहाल सीरियल से लेफ्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनकी पत्नी का नाम निशा रावल है, जिनके साथ ये साल 2012 में शादी के बंधन में बंध गए थे और आज इस शादी से ये कविश मेहरा के माता पिता भी बन चुके हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें आप मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की सीरियल के साथ साथ वर्तमान में प्रसारित हो रहे टीवी शो शादी मुबारक के लिए जानते होंगे। नंबर दो, हिना खान। सीरियल में नैतिक की पत्नी अक्षरा सिंघानिया का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री हिना खान ने अपने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया कि आज उनका ये किरदार इनकी पहचान बन चुका है। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ हस्बैंड की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने अभी शादी नहीं की है, लेकिन वर्तमान में ये सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर जयंत यानी की रॉकी जायसवाल को डेट कर रही है, जिन्होंने हिना खान के साथ तकरीबन 8 सालों तक काम किया है और अब खबरें आ रही हैं कि दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। नंबर तीन, मोहिना सिंह। सीरियल में कार्तिक की बहन कीर्ति का किरदार निभाकर खूब पॉपुलर हुई अभिनेत्री मोहिना सिंह ने अपने इस किरदार को हूबहू पर्दे पर पेश करते हुए दर्शकों से खूब सराहना हासिल की, जिसके लिए दर्शक इनकी तारीफें करते थकते नहीं। अगर बात करें कीर्ति यानी मोहिना सिंह के रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनके पति का नाम सुयश रावत है, जिनसे इन्होंने साल 2019 में शादी रचाई थी। हालांकि इनकी शादी एक अरेंज मैरिज है, पर बावजूद इसके दोनों का रिलेशन देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये एक अरेंज मैरिज है। वहीं आपको बता दें कि सुयश रावत प्रोफेशन से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका राजधानी दिल्ली में अपना एक सफल कारोबार चलता है। नंबर चार, शिवांगी जोशी। सीरियल में नायरा का खूबसूरत किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शिवांगी जोशी का ये किरदार भले ही सीरियल में खत्म हो चुका हो, लेकिन ये एक बार फिर एक बॉक्सर के तौर पर सीरियल में वापसी कर चुकी हैं और दर्शक इनके इस अंदाज को भी अपना बेहद प्यार दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें अभिनेत्री शिवांगी जोशी के रियल लाइफ पार्टनर की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक शिवांगी जोशी ने अपना घर नहीं बसाया है, पर खबरें हैं कि ये इन दिनों अपने को स्टार मोहसिन खान के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो कि वर्तमान में इनके साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर रहे हैं। नंबर पाँच, कांची सिंह। सीरियल में नक्श की बहन गायत्री का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम कांची सिंह है, जिन्होंने सीरियल में नैतिक की बेटी और नक्श की बहन का किरदार निभाते हुए दर्शकों का खूब दिल जीता था, पर फिलहाल ये भी सीरियल से लेफ्ट कर चुकी हैं। लेकिन अगर बात की जाए अभिनेत्री कांची सिंह के रियल लाइफ पार्टनर की, तो शिवांगी जोशी की तरह ये भी अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं, पर फिलहाल ये अपने को स्टार रोहन मेहरा को डेट कर रही हैं, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में गायत्री के भाई का किरदार निभाया था और अब ऑन स्क्रीन बहन भाई की ये जोड़ी रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। तो दोस्तों, आपको सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इन चुनिंदा कलाकारों में से किस कलाकार के साथ उनका लाइफ पार्टनर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।